टू द स्ट्रॉन्गेस्ट पिकअप सिस्टम के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि लियोन जो है वो लू के बारे में कुछ बढ़िया सा इविल प्लान बनाने वाला था, और उसी प्लान के चलते जो लियोन के साथ जो लड़की थी, सुनहरे बालों वाला लड़की, वो आके लू के साथ बात करने लगती है और लू को फंसाने लगती है उनकी इविल प्लान में। तो इसी के साथ हमारा वो वाला एपिसोड ख़त्म हुआ था। तो आप आगे हम देखेंगे। तो द स्ट्रॉन्गेस्ट पिकअप सिस्टम की एपिसोड 10.2 में हम देखते हैं कि लू के पास जो वो ब्लाउंड वाले वाला लड़की आया था इधर, वो लू से पूछता है कि मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम जो कस्टमर है वो लियोन को छोड़ के तुम्हारे पास क्यों आ रहा है, तुम ऐसा क्या जादू करते हो कि जो लियोन को छोड़ के तुम्हारे पास सारे के सारे कस्टमर आ रहे हैं और कस्टमर तुम्हारे बहुत सारे तारीफ कर रहे हैं। तो तभी जो इसके आंसर में लू बोलता है कि ठीक है, मैं दिखाता हूँ, आप आइए और मैं आपको मैसेज देता हूँ, जिसके बाद आप खुद ही बोल देना जो क्यों आ रहा है या फिर क्यों ऐसा हो रहा है। और लड़की तभी बोलती है कि हाँ, मैं यही तो चाहता हूँ, तुम चलो हम लोग एक मैसेज के लिए सूटेबल प्लेस, मतलब ठीक ठाक एक जगह ढूंढते जहाँ पे हम लोग अच्छी तरीके से शांति से आपसे मैं मैसेज ले पाऊँ। और तभी जो है वो लड़की जो एक इवेल स्माइल देते हैं, क्योंकि भाई ये लियोन और उसका प्लान होता है कि वो एक जगह पे जाके उससे मैसेज लेगी, तभी जो है प्लान जो एग्जीक्यूट होगा। तो आप आगे देखेंगे कि हम क्या प्लान होता है, तो अभी नहीं बताने वाला मैं। तभी जो है लू इसके आंसर में हल्का मुस्कुराते हुए बोलता है कि आई एम सॉरी मिस मैरी, मैं जो है इस कोई कस्टमर के साथ बाहर नहीं जाता और यही मेरा रूल है। तभी जो है लू थोड़ा माइंड में सोचते हुए बोलता है कि देखो, मेरे को लग रहा है इस लड़की का जो है इंटेंशन बहुत ही ख़राब है, मैं इसके साथ बाहर नहीं जाना चाहता, और वैसे भी बॉस मेरे से बहुत ज़्यादा खुश है, इसकी वजह से बॉस मुझे कुछ नहीं कहेंगे शायद से। तो इसी के साथ हमें पता चलता है इस लड़की का जो नाम है वो मैरी है। तो मैरी सिगरेट के एक खस्त लगाते हुए बोलती है कि देखो, मेरे को जो लगता है तुम न्यू स्टार हो, इसीलिए तुम कुछ एरोगेंट हो गए हो। तुम्हें मैं बोल रहा हूँ ना, तुम मेरे साथ चलो, मेरे को सेटिस्फाई करो, तो मैं तुम्हें 1 लाख यान टिप्स में दे सकता हूँ। तभी लू का जो पैसे के नाम सुन के भूल उसका दिमाग टन जाता है और वो बोलता है कि भाई साहब 1 लाख यान, तो इससे अच्छा मैं चला ही जाऊँ ना, इससे क्या होगा, चलो चलते देख लिया जाएगा बाद में क्या होगा, तो पैसा तो पहले मिले। तभी जो हमें स्काई होटल का एंट्रेंस दिखाया जाता है जहाँ पे वो लोग जा रहे होते हैं। तभी जो है हमें लियोन को दिखाया जाता है जो गाड़ी में बैठ के ये सब देख रहा होता है, और वो मोबाइल में किसी का नंबर डायल करके उसे कॉल लगाता है और बोलता है अभी तो खेल शुरू हुआ है। तो इसी के बाद जो हमें एक अंधेरी सुनसान गली को दिखाया जाता है जहाँ पे एक आदमी दूसरे आदमी को पीट के बोल रहा होता है कि अगर तुमने बाद बाकी पैसा मेरे को कल को नहीं दिया ना, तो तुम्हारे एक हाथ को मैं काटूँगा, काट के वो नहीं वहाँ पे नहीं, कुत्ते को खिला दूँगा, वो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा ना, इसीलिए कुत्ते को खिलाऊँगा, वहाँ पे घुसाऊँगा तो तुम कैसे करोगे। तभी जो है उस आदमी के पास एक फ़ोन कॉल आता है और वो फ़ोन उठा के बोलता है अबे कौन है बे, अभी मैं मार रहा हूँ किसी को, तो जल्दी बता कौन है। तभी जो उस फ़ोन कॉल से एक बात आती है और वो आदमी बहुत ही ज़्यादा चौंक जाता है, और उस आदमी से एक धमकी भरा बात यह होता है कि देखो बे, मैरी जो है मेरा लड़की है, ठीक है, तुम उसके ऊपर आग भी उठा के देखा ना, तुमको इतना मारूंगा कि तुम्हारा माँ जो है ना पहचान नहीं पाएगी ये किसका बेटा है। ये धमकी भरा बात सुन के वो आदमी भी भड़क जाता है और बोलता है कौन है बे, तुम जल्दी से तुम्हारा एड्रेस बताओ, तुम्हें वही आके मारता हूँ, रुक साले। तभी वो आदमी एड्रेस देता है कि मैं जो हूँ ना स्काई होटल में हूँ, ठीक है, हिम्मत है तो आके मार जा, तू हिम्मत है तो इधर आ। ये कह के जो हंसते हुए हमारा लियोन है वो फ़ोन काट देता है और बोलता है कि लियोन का जो अभी प्रेजेंट तुम्हें भेजा हो ना, आशा है कि वो प्रेजेंट तुम्हें बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। और इसी के साथ जो है हमारा ये वाला एपिसोड ख़त्म होता है।
तो आप लोग सोच रहे होंगे कभी कभी लू को मैं योनकाई और लू क्यों कहता हूँ, क्योंकि उसका लू का जो है वर्क प्लेस पे उसका नाम होता है योनकाई, और जो मतलब घर पे नाम होता है वो है लू डिन क्वीन, डिल क्वीन शायद से कुछ भी जो है, मेरे को उच्चारण भी नहीं होता, तो तुम लोग समझ जाना। लू को लू भी बोल सकते हो, योनकाई भी बोल सकते हो, और कभी कभी रूकी किलर को मिस झा भी बोल देता हूँ, तो वो भी कभी कभी होता है क्योंकि मिस झा और रूकी किलर एक ही है, एक ही आदमी है, और शिया किर एक ही नाम है। कभी कभी मैं शिया को शिया बोलता हूँ और किर भी बोलता हूँ, ठीक है। तो शिया किर एक ही मतलब एक ही लड़की है, तो समझ लेना थोड़ा। और जो है हमारे इसी के साथ ये वाला एपिसोड जो है ख़त्म करता हूँ। मेरे को पता है मैंने दोनों एपिसोड बहुत ही छोटा बनाया है, 5 मिनट या फिर 6 मिनट करके, तो 5-6 मिनट के ये दोनों वीडियो इसी के साथ ख़त्म होता है। तो आगे शायद से तुम लोगों को पूरा का पूरा वीडियो एक ही बार में दिखा दूँगा, मतलब 11 मिनट का वीडियो एक ही साथ दिखा दूँगा, और रेगुलर वीडियो आ रहा है तो ये देखना होगा ना। मेरा तबीयत खराब था, तबीयत के ख़राब होने के बावजूद भी मैंने आप लोगों को वीडियो भेजा, और मैंने वीडियो को थोड़ा पहले पहले ही बना लिया था, तो तबीयत ज़्यादा जब ख़राब होती थी तब मैं वीडियो डाल देता था वो बनाया हुआ वीडियो। तो इसी के साथ हमारा वो वाला वीडियो में कोई भी दिक्कत नहीं हुआ था। तो इसी के साथ हमारा ये वाला जो वीडियो है पूरा का पूरा ख़त्म करता हूँ, और बाय बाय टाटा। सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, और इस चैनल को थोड़ा बहुत शेयर भी कर देना। आप लोगों के सपोर्ट की वजह से ही हम लोग वीडियो बना पाते हैं। तो बाय बाय टाटा और टेक केयर, फिर से मिलते हैं नए वीडियो के साथ।